कैमरा मत बंद करो गाइस। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में ऐसा है, हमने व्लॉग बनाया है बाइक से ही रिलेटेड। लास्ट वाला व्लॉग जो डाला था हमने साइलेंसर वाला, उसमें बहुत कमेंट आ रहे थे कि मतलब इसका एवरेज दिखाओ, ये वाले साइलेंसर जो हमने लगवाया है, ये आपको दिखाया था जो व्लॉग हमारा 200 के समथिंग चला है। उस व्लॉग में बहुत कमेंट किए थे कि इसका एवरेज बताओ, एवरेज बताओ। मैं अपनी बाइक ये देख लो, पूरी शाइन उइन करके अली से नहलाया है। पाल लेके चलते इस बाइक को और आपको दिखाएंगे ये बाइक क्या एवरेज दे रही है ये वाले साइलेंसर पे। सिंपल पे तो लगभग 50 के आसपास का दे रही है, इस वाले साइलेंसर पे देखते हैं क्या हिसाब रहता है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए, जो भी हम करेंगे, नई नई वीडियो बनाएंगे। और जिनने अभी तक लाइक भी नहीं किया तो व्लॉग को लाइक भी कर दो। दिखाते हैं, ले जाके इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, क्या एवरेज आ रहा है, क्या नहीं हिसाब बैठ रहा। चलते पहले ये गली के साइड में ही हमारे, यहाँ हमने बाइक इसलिए लगाई ताकि इंट्रो इंट्रो कर लें। तो यहाँ से चलते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, फिर दिखाते हैं। चलो जी, कोल्ड स्टार्ट कर दी हमने यहाँ बाइक की, चेक करो। रेस नहीं दी अभी तब भी, बाकी आपको पीछे से ऊंची लग रही होगी क्योंकि हमने ये नए डलवाए गिट्टे जो कहते हैं, गुट्टे जो भी, इस साइड और इस साइड, मध्य रेस मध्य। तो चलते इसमें पहले पेट्रोल डलवा के आते हैं, यू ब्लैक कर दे। चलो चलते हैं यहाँ से। बोतल ले ली है, बोतल ली रही है, एवरेज चेक करने चल रहे, तो सबसे पहले लेने चलते बोतल ले। चलो सूरभ भैया से आधा आधा करवा रहे हैं, एकदम परफेक्ट आधा आधा करना, तोल के एकदम। कितना और तोड़ भी जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले कितना था? 710 था, 355 करना है। तो हाँ जी गाइज, आ गए हम अपनी लोकेशन पे। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको इसका मीटर, ये अभी चल गई है 23,613 किलोमीटर। साधु साइलेंसर वही वाला है जो हमारा, क्या कहते हैं, आपने बताया था उस व्लॉग में, कमेंट किया था कि यही वाले साइलेंसर का व्लॉग बनाओ, कितना ये दे रही है, एवरेज कितना दे रही है। तो ले आए हम बाइक को अपनी लोकेशन पे शांत सी, और ये हमने आधा आधा लीटर कर दिया है ये दोनों बोतलों पे, हमने आधा आधा लीटर कर दिया। हमने पूरा लीटर इसलिए नहीं लिया, लगा लो 40 का भी एवरेज देती तो हम पहले 20 किलोमीटर जाते, फिर 20 किलोमीटर वापस आते, बहुत टाइम वेस्ट होता। तो हमने इसलिए सोचा आधा लीटर कर दे रहे हैं, जैसे अब आधा लीटर पे हमारी 20 किलोमीटर चली तो हम समझ जाएंगे पूरे एक लीटर पे 40 ऑब्वियसली चल जाएगी, वही करेंगे हम पूरा। मतलब क्या ही करना, वैसे भी तो आंसर सेम ही निकलेगा, इतनी दूर जाना फिर वहाँ से वापस आना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये बता दूँ हमने आधा आधा लीटर कैसे किया, तो हमने ये इसका एक लीटर का पूरा कितना 710 वेट आ रहा, 700 वेट आ रहा था, 710 वेट आ रहा था, तो हमने सिंपली इसका आधा आधा कर लिया, हमने 350 कर लिया, 350 ग्राम इसमें, 350 ग्राम उस बोतल में, दोनों का वेट आधा आधा कर लिया, तो 350 ये दोनों 700 हो गया, इसलिए आधा लीटर ये और आधा लीटर वो। ले करते हैं ये बाइक की टंकी खाली, बाइक की टंकी खाली करके दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं। टोपी तो उठा ले, तो हम ये वाली बोतल चूज करेंगे, मतलब आधा लीटर हम इसमें करके दिखाएंगे। आपको पता ही नहीं है तेल कैसे निकलता है, सच बता। चलो जी, इस पागल को तेल ही नहीं पता। खोल जल्दी बोतल को, लगाइए पाइप। तुम भाई वो निकालो फिलहाल। ओह माय गॉड, पेट्रोल पेट्रोल कर दिया। अरे तेल इसमें से निकलेगा, इसमें से निकल ही नहीं रहा। अच्छा, चलो चेक करते हैं इस मूर्ख को, इतना नहीं पता। ट्यूब बोतल के ये डाल रहा है, ट्यूब बोतल के अंदर, कह रहा है इसमें से तेल निकलेगा, पता लग जाएगा कितना तेल इसमें बचा था, निकलने दो। ये आधा लीटर वाली बोतल इधर रखी है, चल करते रहे। मेरे हाथ दर्द हो गए यार, पकड़ कोई नहीं, निकालो अभी पूरा निकालना है इसमें से। एक बार आप सिनेमैटिक चेक कर लो तब तक, मेरे को सिनेमैटिक में बाकी लुक चेक कर लो बाइक की। हमने ये भी स्टीकर अपग्रेड करवा लिया था, बिल्कुल किसी को भी गाड़ी लेनी होगी, कितने रेट लगाए इसके, कम नहीं 100-200 लगा दियो। तो बेचेंगे ही नहीं, बाकी आप लुक चेक करो। हमने ये भी अपग्रेड करवा दिया था, ये स्टिकर, कौन सा वाला स्टिकर था ये, बैटमैन, हाँ बैटमैन, और अंदर प्रोजेक्टर स्पेशल एडिशन, हाँ बैटमैन स्पेशल एडिशन, और इसके अंदर ये प्रोजेक्टर भी लगा दिया। बाकी यार शॉकर लीक तो इसके कभी बंद नहीं होंगे, और हम सोच रहे हैं इसका टायर भी अपग्रेड करा दे, जो मोटी गिट्टी वाले चल रहे हैं 120 नंबर। और बहुत भाई लोग पूछ रहे थे ये वाला लगा के चलान होता नहीं होता है, बताइयो इन्हें चलान, जा पिज्जा वाला सीन बता। हो गया अगर आपका, पहले तो लट्ठ मारेंगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं अगर आप ये वाला साइलेंसर लगाते हो। ये हमारे यहाँ जा पिज्जा है, हम वहाँ पे खड़े थे,
तो पीछे मोड़ा ही था किसी चक्कर से, रीजन से मैंने कहा पीछे मोड़, पीछे जिप्सी, जिप्सी वालों ने क्या किया नैतिक फिर आगे भाई पीछे लगा ली थी, पीछे वाली डिग्गी खोल के हमें मारने के लिए भाई पीछे जो बंदे बैठे उन्होंने खोला गेट, निकले जैसे तैसे करके भगाई भाई, ये तो बोतल ही पूरी भर गई और टंकी हमारी मुझे नहीं लगता अभी भी खाली हुई है, टंकी चेक कर लूं अभी है यार, दिख तो रहा नहीं है उसमें, मेरे को तो दिख रहा है अभी है इसमें, इतना खाली कर लिया तब भी इसमें अभी बहुत तेल पड़ा, क्या करे के चल रहे जहाँ भी ये खत्म होगी वहाँ पेट्रोल देख के ये मीटर पे अंदर डाल देंगे, तो चलते यहाँ से निकले तो इसे लेके चलते हैं यहाँ से। तो गाइज यहाँ से हम चल चुके हैं, पेट्रोल उतना ही अभी हमने डाला नहीं है, तो ये 23,613 वही चली हुई है, यहाँ से लेके चलते इधर जितना पेट्रोल है वो ख़त्म कर लेते हैं पहले। तो गाइज ये जहाँ तक जा रही है इसे वहाँ ले जाते हैं, एंड में जिधर ख़त्म होगी वहाँ से पेट्रोल स्विच कर लेंगे, जो हमने लेके चल रहे हैं आधा लीटर वो इसके अंदर डाल देंगे। गाइज 3 किलोमीटर चल गई, 23,613 थी, 6,616 हो गई, 3 किलोमीटर हो गए अभी तक, तेल क्या मिसिंग भी नहीं मार रही यार, मिसिंग मारनी चालू हो गई अभी ये। अब हो गया इसका पेट्रोल ओवर, करते इसे साइड में, यहाँ पे 23,618 पे हमने पेट्रोल रीन्यू कर दिया, इसमें फिल कर दिया है, बीच में भी यार गलती से स्लोमो बन गई थी स्टार्टिंग में, तो इसे लेके चलते हैं, आधा लीटर तेल इसमें डाल दिया है। तो गाइज हमने 18 पे स्टार्ट किया था, यहाँ 22 हो गए, 18, 19, 20, 21, 22, 5 किलोमीटर हमने यहाँ चला लिया है। तो गाइज इस रास्ते में दो डेंजर चीज़ है, तो यहाँ दो वो पड़ेंगे नाके पुलिस के, एक 17 मील पड़ेगा और एक झोला पड़ेगा, तो ये पुलिस वाला खड़ा है फर्जी, देते हैं इसका थोड़ा फुल थ्रोटल। गाइज यार अभी एक बहुत बुरा सीन हो गया, अभी पीछे पुलिस वालों ने देख लिया, यहाँ बिस्टी पे जो थाने पे चेकिंग चल रही है अभी दो पुलिस वाले ने देख लिया, मैं सोच रहा आगे कहीं कहना दिया इन्होंने, बाकी ये चल गई आपकी 7 किलोमीटर चल गई है, अभी पीछे पुलिस वालों का कोई सीन ना हो यार। गाइज मैंने सोचा अगर मैं ऐसे भगाता हुआ ले जा रहा हूँगा जैसे भी कोई पुलिस वाला आएगा, तो सोच रहा हूँ क्लच दबा के पूरी ऐसे रेस छोड़ के, अब तो हाँ पीछे से ये पैर लगा लेगा, बाकी कोई सीन तो होना नहीं है, पैर लगाइयो ऐसे पैर लगा देगा, ये आवाज़ ज़्यादा आएगी नहीं फिर। गाइस फाइनली ये हमारी 13 किलोमीटर चल गई ना, हाँ 18 पे स्टार्ट किया था, 30 हो गए, फाइनली 13 चल गई है, देखते हैं आगे और कितना चलती है, अभी तो हमने खाली 13 किलोमीटर ही कवर किया अपने सितारगंज से और उस पेट्रोल में, देखते कहाँ तक ही और खींचती उस हिसाब से करेंगे फिर एंड में, अगर हमने आधे लीटर में किया, अगर खाली पूरे 1 लीटर में करते तो पूरी रात उत हो जाती, हम जाते फिर वहाँ से वापस आते, आँख में मच्छर चला गया, तू ठीक बैठा है भाई? ये ठीक है बैठा, मेरे तो आँख में मच्छर ही जाए जा रहे बार बार, ये देखो आंसू से आ रहे हैं। गाइस चलते चलते एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है ये, तो गाइस ये व्यू चेक करो, आपको व्यू चेक कराता हूँ यहाँ खड़ी करके, स्टार्ट की थी अब ये 32 पे हो गई है, तो लगभग ये 16 किलोमीटर के आसपास चल गई है, क्योंकि ये रिवर क्रॉसिंग है यहाँ प्यारी सी, मैं सोचा यहाँ पे वीडियो बना लूँ, ये मेरे को नानक मत्ता वाले डैम वाली रिवर लग रही है, तो कमेंट करके बताना अगर पता हो तो, यहाँ से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ से भी चलते हैं, चलो रहने दो, वो बता नहीं सकते, वो वाला आपको चीज बता नहीं सकते, हमारे पर्सनल इशू से है लिंक वो, की हालत एकदम बेकार हो गई है ये मिट्टी में व्लॉग बनाने में, आगे रास्ता देख लो कितना पतला है, बोलो पेट्रोल ये हाँ इसमें हमने चेक कर रहे हैं, हाँ ये मैं यहाँ से, ओए पागल वापस नहीं आ पाएंगे। तो गाइस हमें अभी चलते हुए पूरा 1 घंटे के आसपास हो गया है, और ये व्यू चेक करो, रोड आते आते इतनी पतली हो गई और ऊपर से थोड़ी खराब भी होने लग गई है, मैं ये सोच रहा हूँ नाके पे चेकिंग ना चल रही हो आगे। तो गाइस आपके ये साइलेंसर के एवरेज के चक्कर में इतना सब कर रहे हैं हम स्ट्रगल, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस मेहनत के पीछे बस एक सब्सक्राइब कर देना, चलो भाई नैतिक कह रहा लाइक भी कर देना सब्सक्राइब भी कर देना, अब के चक्कर में मैंने 2 नाके पार कर दिए, अब आगे भी करना पड़ेगा, हाँ आपके चक्कर में ये नाके वाला रास्ता हमने चूज किया है, बाकी फेस की यार बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई, मिट्टी हो गई है पूरे फेस, तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, इसकी जिंदगी खराब हो गई जो ये मेरे साथ आया है, ये तब से जिद कर रहा है, रो रहा है मेरे को घर छोड़ दो भाई, रो नहीं रहा, ये स्कूल की वैन खड़ी है, चलो बाकी हम रोड पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, सारे हमें कैसे देख रहे हैं, 34 हो गया है, सोच रहा हूँ साइड पे लगा के, मैं सोच रहा हूँ इसकी टंकी देख ले रहे कितना पेट्रोल रह गया है,
चल टंकी खोल भाई, बोतल लेके घूम रहा था तब से पागलों की तरह सितारगंज भाई। अभी ये मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 किलोमीटर और चल जाएगी। आप कितने पैसे रह गए हैं, पैसे दे दो। अरे स्कूल से फीस, वो मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। फिर स्कूल का नंबर तो है ही नहीं है, फिर तब पता नहीं किसका है। दिखाइयो भाई, नैतिक योर पेंडिंग फीस अमाउंट इज 600, प्लीज क्लियर इट। तो भाई बेफालतू का मैसेज दे रहे हैं, देख रहे हो। करो इस पे स्पैम मैसेज, करो इस नंबर पे, फेमस करो ये। कहीं मेरे स्कूल के सर का ही हो, कहीं वो का। कोई नहीं, इस पे स्पैम मैसेज करो भाई। ऐसे मतलब यार बेशर्मों की तरह तुम 1600 रुपए मांग रहे हो। यार तुम ग्रुप में मैसेज करेंगे इन बच्चों के पैसे रह गए हैं। हाँ यार पर्सनली मैसेज करके बेइज्जती मार रहे हैं। करो सारे स्पैम मैसेज करो इसके वो नंबर पे। 17 किलोमीटर हमारी चल गई है, 1 लीटर में 40, पर मुझे लग रहा है ये 40 से ज्यादा ही एवरेज देगी। 40 एवरेज तो नहीं देगी फॉर श्योर। गाइस आपको हमारी असली मेहनत नहीं पता होगी ये व्लॉग के पीछे। ये व्लॉग के पीछे मैं अपने फोन को 4 बार क्या कर चुका हूँ, 4 बार मैंने अपनी मेमोरी स्टोरेज क्लियर कर दी है। स्टोरेज फुल हो जा रही है इस व्लॉग के चक्कर में। 4 बार मैंने रिफ्रेश कर दिया अपना डाटा और आधे से ज्यादा वीडियो तो डिलीट कर। भाई आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, बताओ यार। फुल चेक करो, बैठे बैठे इसके भाई के सब कुछ सीन जो है सब सीन सूझ गया यार। कुछ तो करो, बोतल ये बंदा कब से लेके आ रहा है, क्या है? ऐसे चलते 3 साल हो गए यार, इतनी मेहनत पे एक सब्सक्राइब तो कर दो। नहीं एक बंदा एक कर दो ना, बस ऐसा कर दो। हाँ दादा मामा सबके फोन से कर दो, कहना यही से वापस मुड़ रहे हैं, पर देखते आगे तक चलते हैं। आगे अगर नाके पे चेकिंग चल रही होगी वहाँ से मुड़ के चलेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। उधर कॉल कर दें, इधर से भी फंसे, इधर से भी फंसे। गाइस ये चल चुकी है 20 किलोमीटर फाइनली। इतनी मेहनत के बाद 20 किलोमीटर चला दी आधे लीटर में। आपके व्लॉग के चक्कर में मैं पूरा अपना एक दिन वेस्ट नहीं, वेस्ट नहीं कह सकते, आप इतना प्यार दिखा रहे हो तो वेस्ट नहीं कहूंगा मैं। वीडियो में आपने इतना ज्यादा ही प्यार दिखा दिया, मैं कह रहा हूँ औकात से बात कर दो वीडियो में एक बार और फिर से यही। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ इसे यहाँ से मोड़ लिया जाए, बहुत आ गए। हम सोच रहे हैं यहाँ से चलते हैं वापस, क्योंकि इतनी आगे कहाँ ही जाएंगे। बाकी आपको एवरेज इसका यहाँ से मीटर से अभी तक रहत भैया सोच रहे थे कि सर 40 का एवरेज होगा, पर आधे लीटर के अंदर। हाँ आधे लीटर में ले आए हैं। 20 किलोमीटर तो हमारा आ गया, 20 किलोमीटर से ज्यादा ही निकलेगा ये आपका। वापस दिखा रहे मीटर से आपको पता लग। भाई ये बात गलत है, तुम वॉच पहन के आ रहे हो। चलते फिर यहाँ से वापस, पता तो लग जाएगा मीटर से। हम खाली आगे जाएंगे, वापस भी जाना है, टाइम वेस्ट होगा। फिर से तो आपको साफ पता ही लग रहा है ये आपका 18 पे लाए थे, 38 हो गया। तो गाइस 42 पे आके ये मिसिंग मारना स्टार्ट हो गई है, ये देख लो अब तक चलती है, देखते हैं इसे। तो हमने रोड से नीचे उतार लिया है, ये आपकी हो गई है 43। 18 पे हमने स्टार्ट किया था, तो कैलकुलेटर दिखा ला, कैलकुलेटर खोलते हैं इसके फ़ोन में, आपको दिखाते हैं लाइव सबूत। अब हमने रोड से नीचे आके लगा लिया है ताकि आगे, अब तो ये स्टार्ट भी नहीं हो रही, आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देख लो ये किक भी मार रहा हूँ, और यहाँ पे पेट्रोल भी, ये देखो ये ऊपर की तरफ है, ऑन है पेट्रोल, और ये किक पे स्टार्ट भी नहीं हो रही। अब 43 18 पे हमने स्टार्ट किया था, 43 में से आपका 18 माइनस कर देते हैं 25 किलोमीटर। इनने करेक्ट एकदम 25 किलोमीटर का एवरेज दिया, तो अब आप लगा लो 1 लीटर में, ऑब्वियसली बात है 25 का आधे लीटर में दिया तो 1 लीटर में पूरे 50 का एवरेज देगी। इस साइलेंसर पे भी बहुत दे दिया, 25 बहुत होता भाई। गाइस इनने आधे लीटर में ये वाले साइलेंसर ने 25 का एवरेज दे दिया है, 1 लीटर पे ये आराम से 50 तो आपका लगा देगी। इस वाले साइलेंसर पे भी 50 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया, तो सिंपल पे तो ऐसे ही 60 के आसपास का ये स्प्लेंडर दे देगी। स्प्लेंडर हमारा 2014 मॉडल है। बाकी चाबी लगा के लाइट खोल लेता हूँ, इसकी फ्रंट का एवरेज दे दिया जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। बाकी अगर हम दूसरा साइलेंसर लगाते वो भी 60 तक का एवरेज दे देता है। बाकी हम आए थे दिन में 4 बजे के आसपास, ये ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, टाइम भी बहुत हो गया है। ये ताश का पत्ता देख रहे हो कैसे चमक रहा है। बाकी आपको एक बार इसकी लाइटनिंग भी चेक करा देता हूँ, ये नागनी लिखवाया और इसके घर से कॉल भी आ रही है। तो चलते फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पता लग गया अब इसने 50 का एवरेज दे दिया है। और आपको होप करता हूँ ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे व्लॉग बताओ, तो फाइनली मैंने आपको इसका एवरेज भी बता दिया है, जितने लोग पूछ रहे थे। तो अब देख लेना ये व्लॉग 50 के समथिंग का एवरेज देगी आपको पूरे पेट्रोल पे। बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। तो अब चलते घर, वैसे भी टाइम बहुत हो गया, निकलते हैं यहाँ से। होप करता हूँ आपको व्लॉग बढ़िया लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप ये व्लॉग इन्जॉय करो। हम यहाँ से जाते हैं अब घर, और जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और व्लॉग एंजॉय करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।